किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मधुमक्खी पालन कर कमाए ज्यादा मुनाफा, बैलों से खेती होती है ज्यादा बेहतर, प्लास्टिक लो टनल तकनीक से करें अगेती खेती, और सर्दियों के मौसम में जैविक विधि से करें सब्जियों की खेती। अब समाचार विस्तार से। भारत में 60 से 65% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किसानों की जोत घटती जा रही है, इसलिए किसान खेती के अलावा मधुमक्खी पालन कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम जमीन की आवश्यकता होती है। भूमिहीन, कम पढ़े लिखे, अनपढ़, यहाँ तक कि महिलाएं भी प्रशिक्षण लेकर इस रोजगार को कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड समेत कई राज्यों में मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के तौर पर लोग अपना रहे हैं। एपिडा यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार 2013-14 के दौरान 28,378.42 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद का निर्यात किया गया। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे यदि किसी फूल वाली फसल के साथ किया जाए तो शहद के उत्पादन में 20 से 80% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। इस उद्योग के लिए सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोन सुविधा उपलब्ध कराई है। इस व्यवसाय के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध है। ये उद्योग लघु उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आता है। बदलते ग्रामीण भारत में किसानों के लिए बैलों की उपयोगिता घट रही है, क्योंकि अब किसान ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टर के बढ़ते इस्तेमाल से बैलों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। सन 2007 की पशु गणना के अनुसार बैलों की संख्या लगभग 3,80,000 थी, जो साल 2012 की पशु गणना में घटकर करीब 3,64,000 रह गई। जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में साल 2008-09 में करीब 9 लाख ट्रैक्टर थे, जो 2012-13 में बढ़कर 10 लाख हो गए हैं। ज्यादातर किसान अब ट्रैक्टर खेती करते हैं, पर जितना महीने भर का खर्चा ट्रैक्टर पर आता है, उतने खर्चे में बैल को पूरे साल पाल सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI के मुताबिक खेती में बैलों के उपयोग से सालाना 16,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा की बचत हो सकती है। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य सब्जी फसलों को मुख्य जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। संरक्षित सब्जी उत्पादन के लिए सब्जी उत्पादकों को संरक्षित खेती व विभिन्न संरक्षित संरचनाओं की पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बेमौसमी सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए सब्जियों की पौध प्लग ट्रे पद्धति से ग्रीन हाउस में तैयार की जाती है। यह तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों और खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। आज लोगों में पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता काफी बढ़ गई है, जिससे जैविक खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। आज लोग स्वस्थ रहने के लिए ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठंड की सब्जियों को जैविक खेती द्वारा उगाया जा सकता है। यह बहुत आसान होता है और इसे छोटे बड़े दोनों ही स्तर पर किया जा सकता है। इस तरह की खेती में रासायनिक कीटनाशक और खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन बातों को अपनाकर किसान भाइयों, आप सर्दी के मौसम में सब्जियों की बेहतर खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में गेहूं का भाव 1,585 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर की मंडी में 1,510 रुपए, प्रतापगढ़ की मंडी में 1,475 रुपए और सीतापुर की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,448 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर सरसों के भावों की करें तो इलाहाबाद की मंडी में सरसों का भाव 3,460 रुपए प्रति क्विंटल,
गोरखपुर की मंडी में सरसों का भाव 3,290 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में सरसों 3,215 रुपये और सीतापुर की मंडी में सरसों का औसत भाव 3,225 रुपये प्रति कुंतल रहा। चावल के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में चावल का भाव 1,950 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर की मंडी में चावल 2,020 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में चावल 2,040 रुपये, सीतापुर की मंडी में चावल का औसत भाव 2,107 रुपये प्रति कुंतल रहा। प्याज इलाहाबाद की मंडी में 1,500 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर की मंडी में 1,620 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में 1,520 रुपये और सीतापुर की मंडी में प्याज का औसत भाव 1,400 रुपये प्रति कुंतल का रहा। आलू के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में आलू का भाव 1,200 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर की मंडी में आलू 1,100 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में आलू अधिकतम दाम 1,080 रुपये और सीतापुर की मंडी में आलू का औसत भाव 850 रुपये प्रति कुंतल का रहा। अब एक नज़र टमाटर की औसत कीमतों पर। इलाहाबाद की मंडी में टमाटर का भाव 1,005 रुपये प्रति कुंतल, गोरखपुर की मंडी में टमाटर 1,015 रुपये, प्रतापगढ़ की मंडी में टमाटर का अधिकतम दाम 1,060 रुपये और सीतापुर की मंडी में भी टमाटर का औसत भाव 1,060 रुपये प्रति कुंतल का रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह, 1,000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन बृहस्पतिवार को हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम द्वारा किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान
तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, देखिए कि हम अपने कार्यक्रम में अक्सर खेती बाड़ी पे चर्चा करते रहते हैं, विशेषज्ञ से बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सुविधाओं की, कि सरकार जो है हमारे किसानों को क्या सुविधा दे रही है। इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं। अगर इस विषय संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0522-228-8698। हमारा अगला नंबर है 0522-220-5756। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और हम बात करने जा रहे हैं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को क्या सुविधाएं दी जा रही है। तो हम सुविधाओं को संक्षेप में जानना चाहेंगे कि सहकारिता में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, मुख्य रूप से कौन कौन सी सुविधाएं हमारे किसानों के लिए विभाग द्वारा दी जा रही है। धन्यवाद। आज जो आपने किसानों के सुविधाओं के बारे में जी जानकारी चाहिए है जी, वैसे तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 850 प्राइमरी समितियां हैं जी, और 50 जिला सहकारी बैंकें हैं जी। तो ये जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से जी जो प्राइमरी समितियां हैं 850 जी, ये किसानों को खाद बीज ऋण और सस्ते ब्याज पर जी 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 ये सुविधाएं देने का काम करती हैं। मतलब ये जो समितियां हैं खाद बीज ऋण ये सब किसानों को देने करते हैं। हम मंत्री जी चर्चा जारी रखेंगे। एक किसान भाई हमसे जुड़ रहे हैं फोन पर। हेलो, नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। नाम मेरा संजीव कुमार है। संजीव जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? सर ये जानकारी चाह रहा था कि जो मतलब सहकारिता से खाद और बीज कैसे मिलते हैं, ये जानकारी चाह रहा था। सहकारिता से खाद बीज कैसे मिलते हैं मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं खाद बीज कैसे मिलता है इनको। देखिए हमारी जो प्राइमरी समितियां हैं जी, जिला सहकारी बैंक के माध्यम से जी जो जिले में साधन सहकारी समेत और किसान सेवा सहकारी समेत जी, इसमें किसान 100 रुपए का मेंबर बनता है। 100 रुपए जमा करने पर 100 रुपए जमा करता है जी, फिर उसको खाद बीज और ऋण, और ऋण का ब्याज है 3%। ये तो बहुत अच्छी बात है, 3% जी। तो ये जो 3% बहुत कम पर सुविधा दी जाती है मंत्री जी, जो ये जानना चाहते थे संजीव जी, मतलब ये 100 रुपए देके सदस्य बने तब इनको समिति द्वारा लाभ मिल सकता है। लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं जैसे आपने बताया समितियों का, अगर किसान जो है, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनको खाद बीज नहीं लेना होता है, ऋण लेना होता है, तो आपने बताया कि 3% पर ऋण लेते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो ऋण समय से जमा कर देते हैं और कुछ होते हैं समय से नहीं जमा करते हैं, तो किसानों के लिए ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि समिति का लाभ लेना है तो समय से लोन चुकता करें? हाँ, ये देखिए ऋण समय से जी ऋण लास्ट में जी ये ऋण को चुकाना पड़ता है 30 जून तक जी जी। अगर 30 जून तक नहीं चुकाते हैं जी जी तो उनको कुल मिलाकर के 7% तक ब्याज पहुंच जाता है। मतलब ये 30 जून फसली वर्ष कहलाता है। हाँ, और अगर जो समय से दे देता है उन पर 3%। यानी किसानों को जागरूक होने की आवश्यकता है, और किसानों को देखिए बहुत फायदा पहुंच सकता है। खाद समय से मिलती है, बीज समय से मिलता है, और जो हमारी कोऑपरेटिव की संस्थाएं हैं जी, इफको है, क्रपको है, और भी जो समितियां हैं बीच बीच में, हमारे जो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं किसानों, किसान भाइयों को जी जी प्रशिक्षण दिया जाता है। और हमारा किसान उसमें केला की खेती, टमाटर की खेती, आलू की खेती जी जी और तमाम तरीके की सब्जियां और ये अगर जो जागरूक किसान है वो जिसके पास बहुत कम खेती है
एक बीघा खेती है, दो बीघा खेती है, तीन बीघा खेती है। मेरा कहने का मतलब एक एकड़ से कम खेती वाला भी किसान अगर ये सभी सुविधाओं से अगर खेती करता है जी जी जी, तो उसे काफी बचत हो जाती है, काफी बचत लाभ मिलता है। एक प्रश्न और ये आ रहा है कि जी, एक फोन हमारे साथ है, फिर बात करेंगे हम। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना। हेलो हेलो, हाँ जी जी, नाम बताएं अपना। रामविलास यादव। रामविलास यादव जी कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए बताइए, क्या समस्या है आपकी? हेलो, कहाँ, मधुबनी से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? रामविलास यादव जी। जी बताएं बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं रामविलास जी? कहाँ? मधुबनी से। मधुबनी से, क्या जानना चाहते हैं? मधुबनी जिला प्रशासन जी, गेहूँ हम लोग का बीज नहीं मिल रहा है सर जी। बताइए समस्या क्या है आपकी, प्रश्न क्या है? बीज लेना है, बीज लेना है। बीज लेना है आपको समितियों से? बीज इनकी समस्या है कि बीज इनको नहीं मिल रहा है। देखिए कोऑपरेटिव से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं? मधुबनी बिहार का जो है, बिहार के किसान भाई, बिहार से, बिहार के रहने वाले हैं जी, तो वहाँ पर वहाँ भी तो ये सिस्टम होगा सहकारिता का? वहाँ भी देखिए सिस्टम कोऑपरेटिव का सिस्टम होगा, कृषि विभाग का सिस्टम होगा, कोऑपरेटिव से भी बीज मिलता है और कृषि के जो भी फार्म हाउस वगैरह है उनसे बीज मिलता है, उनके अधिकारियों से संपर्क करके, तो उनसे अधिकारियों का। अगर आपको उत्तर प्रदेश से बीज लेना है तो मुझको बताएं अपना पूरा पता, हम उत्तर प्रदेश से भी बिहार के लोगों को, मधुबनी के लोगों को बीज दिलवा सकते हैं, मतलब उत्तर दिलवा सकते हैं, से उनको मदद दी जा सकती हाँ है। लेकिन अगर आप गेहूं का बीज या कोई बीज लेना चाहते हैं जी, हम इतनी मदद कर सकते हैं जी, जो आज फोन पर दूसरे प्रांतों के भाई जुड़े हैं जी, जी, जी। मैं उनको आश्वासन देना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई भी बीज चाहिए, अगर उनको बिहार में बीज नहीं मिल पा रहा है तो हम आप उनकी मदद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से मदद कर सकते हैं। अब वो संतुष्ट हो गए होंगे शायद। मंत्री जी एक प्रश्न और आ रहा है कि आपने समितियों की बात की, कुछ समितियां ऋण देते देते खाद बीज बांटते बांटते कमजोर हो गई, उनको देने की क्षमता नहीं रही किसानों को, तो ऐसी समितियों के लिए कोई आप द्वारा मदद दी जा रही है? देखिए हमारी सरकार ने, वैसे तो सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा आंदोलन था, बीच में कुछ झटके लगे जी, जी, जी। उसकी वजह से हमारी समितियां जो 2500 समितियां बंद पड़ी समितियां थी जी, जी, जी। जो लेन देन बंद हो गया था, जैसे हमारी सरकार बनी मैंने उन समितियों को 5-5 लाख रुपया दे करके कुल 125 करोड़ रुपया दे करके उन समितियों को चलाया है, उस तो पर 5-5 लाख रुपया दिया है। 5-5 लाख। मंत्री जी हम इस पे बात करेंगे समितियों के बारे में। एक किसान भाई झांसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अमित जी हैं। हेलो जी। हेलो, हाँ अमित जी बताइए, क्या समस्या आपकी? मुझे सिंचाई के लिए पाइपों की समस्या है। क्या समस्या है सिंचाई के लिए? हाँ पाइप चाहिए मुझे। भैया ऐसा है, हमारा विषय तो सहकारिता है, लेकिन मैं ये समस्या का समाधान कराता हूँ मंत्री जी। हाँ, क्या समस्या है? सिंचाई की भी समस्या का समाधान, सिंचाई के लिए पाइप नहीं है इनके पास। काई का पाइप नहीं है जी। किसका पाइप नहीं है बताइए भैया? अमित जी सिंचाई के लिए क्या आवश्यकता है, नहर नहीं है कि ट्यूबवेल नहीं? मेरे स्प्रिंकलर से जो सिंचाई होती है, जो फवारे सिंचाई होती है, ट्यूबवेल से पानी दूर ले जाना पड़ा, सूखा शहर है ना। ट्यूबवेल से? हाँ बुंदेलखंड से बोल रहा हूँ। बुंदेलखंड में पानी की इनकी सिंचाई, पानी की दिक्कत है। वैसे बुंदेलखंड के लिए मैंने कई बैराज बनाने का काम शुरू कर दिया है, और ट्यूबवेल भी, अगर ट्यूबवेल में कहीं दिक्कत है, ट्यूबवेल है तुम्हारे यहाँ? अगर ट्यूबवेल है, कट गई है उनकी, अगर ट्यूबवेल है तो मुझे बताएं। उनको जैसे उनका की एक जरूरी समस्या थी कि सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं है, तो वो पाइप बता रहे थे, वो पाइप की समस्या है जी। तो मैं वहाँ, हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, एक्सियन होगा उस जिले का, झांसी जिले, हाँ हमारा वहाँ पर चीफ भी होगा, अधीक्षक एवंता भी होगा ट्यूबवेल का,
उसको हम निर्देश दे देंगे। हमारे किसान भाइयों से मुझे एक अनुरोध है, अगर हमें सुन रहे हैं, मंत्री जी की आवाज सुन रहे हैं, तो वो पत्र भी हमें भेज सकते हैं दूरदर्शन को, और हम मंत्री जी को वो समस्याएं भिजवा सकते हैं जिससे आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। जो भी हमारा कार्यक्रम किसान भाई देख रहे हैं वो अपनी समस्या को पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं दूरदर्शन, और उस समस्या को हम मंत्री जी तक रखकर आपकी समस्याओं का निवारण करा देंगे। तो मंत्री जी, हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि हमने 2500 सहकारी समितियां जो कमजोर थी उनको 5-5 लाख रुपए की मदद देकर, क्या वो समितियां पुनर्जीवित हो गई, चलने लगी? हाँ, वो देखिए, वैसे हमारे देखिए कोऑपरेटिव बैंक जी, जिला सहकारी बैंक है जी, हमारे उत्तर प्रदेश में 50 जिला सहकारी बैंक हैं जी, वो प्राइमरी समितियों को ऋण उपलब्ध कराती है, किसानों के लिए ऋण बांटती है। हाँ, किसानों के लिए सस्ते ब्याज पर, और हमने उसमें से हमारी 25 बैंकें बहुत अच्छी चल रही थी जी, और हमारी 25 बैंकें खतरे में थी, तो हमने वो 9 बैंकें चला दी थी जी, RBI उनको लाइसेंस देना बंद कर दिया था जी, अब हमें 16 बैंकें और चलाने हैं। उसमें हमारी प्रदेश सरकार ने 610 करोड़ रुपया अभी दे दिया है, मतलब जिला सहकारी बैंकों को चलाने के लिए, उससे हमारी 9 बैंकें और चल जाएंगी। अब हमारी बैंकें करीब 4-5 बैंकें और खतरे में रह सकती हैं, लेकिन हमारा प्रयास है, वैसे तो हमें उनको भी पुनर्जीवित किया जाए। हाँ, उनका भी हम, किसान भाई और इटावा से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में है। हेलो जी, नाम बताए अपना। हाँ जी, इटावा में ये पूछना चाहते हैं सर, कोई सरकारी टूटे भैया, अपना नाम बता दीजिए जरा। अमरजीत जी, हेलो, पूछ लो ने। अमरजीत बोल रहा हूँ इटावा से सर। भैया आपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए, बताइए क्या समस्या आपकी। अमरजीत जी, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। जी सर, कर दी। अब आपकी आवाज आ रही, क्लियर आ रही, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, हमारे इटावा में कोई सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था हो रही है क्या? इटावा में सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था हो रही, मंत्री जी जानना चाहते हैं। अमरजीत जी, कहाँ के रहने वाले हो, किस ब्लॉक के, क्या कौन सा इटावा जिले में, किस ब्लॉक के, किस महिवा ब्लॉक पड़ता है मंत्री जी? कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा गाँव है? खरगुपुर पड़ता है, बिजौली के पास है, बिजौली के पास में। वैसे तो देखिए इटावा में आपने देखा होगा, मैंने इस वर्ष लगभग 100 ट्यूबवेल नए लगाए। 100 ट्यूबवेल जिले में इटावा जिले में, और इटावा अब तो बहुत छोटा जिला हो गया अमरजीत, आपको पता ही है, लेकिन औरैया में अलग है, बिजौली जो जगह बता रहे हैं, और बिजौली जो है, बिजौली तो जानते हैं हम, खूब अच्छी तरह जानते हैं, मेला भी लगता है, हमारे प्रेमदास कठेरिया जो पूर्व सांसद है उनका गाँव। मंत्री जी, इनकी मदद के लिए क्या, और ट्यूबवेल का लिख के दे देना, लिख करके दे देना, हमारा वहाँ एक्शन है, और जब भी हम तो हर हफ्ते 10 दिन में आते ही रहते हैं, मुझको एप्लीकेशन, मतलब समस्या एप्लीकेशन, हम आपका सर्वे करा लेंगे। मंत्री जी, एक किसान भाई और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना। जी, मैं गुलशन यादव बोल रहा हूँ गोंडा से। जी बताइए गुलशन जी, क्या जानना चाहते हैं। अरे जी मंत्री जी से, हमारा गांव में सर ट्यूबवेल नहीं था, वही लगवाना था, यहाँ कोई सुन नहीं रहा। गोंडा में भी ट्यूबवेल लगना, किस ब्लॉक में है आपका गांव? जी धानेपुर ब्लॉक में। धानेपुर जी, मुजहना ब्लॉक, विजहना ब्लॉक धानेपुर में, इनके यहाँ भी ट्यूबवेल की समस्या है। चलिए दे देना, हमारी जो विधायक है नंदिता शुक्ला उनको दे देना जी, या मेरे पास सीधा भिजवा देना, या दूरदर्शन सीधे भिजवा देना, गुलशन सीधे भिजवा देना, मंत्री जी को भिजवा देंगे, भिजवा देना, हम आपको ट्यूबवेल की व्यवस्था आपके यहाँ करा देंगे, सर्वे करा देंगे जी। सर ये मौजा बिलहरी है सर, इसमें करा दीजिए, ट्यूबवेल नहीं है। नहीं, आप लिखित में मंत्री जी का कहना है, आप शिकायत दूरदर्शन को दे दीजिए, हमारे विधायक जी को दे दीजिए, या हम तक दे दीजिए, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। गुलशन जी, तो मंत्री जी विषय तो बहुत लंबा है, बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में आए, किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने देखा कि सरकार आपकी मदद करना चाहती है, विभाग आपका मदद करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा काम आपको करना होगा कि आपको जागरूक बनना होगा, आपको समितियों तक जाना होगा, सदस्य बनना होगा, वहां से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको अपनाना होगा। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।